बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफईआई। आई होप यू आर ऑल फाइन। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 11 ऑफ दिस चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एटम है, जो 18th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, उन्होंने एटम के मास के बारे में क्या कंसेप्ट दिया है, कैसे कैलकुलेट किया है, वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमें शुगर लाना होगा, अगर हमें 1 kg शुगर चाहिए तो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमें 1 kg शुगर दीजिए। तो वो क्या करता है, वो बैलेंस के एक पल्ले में एक वेट स्टैंडर्ड यूनिट 1 kg वो ये वेट डालता है, और दूसरे पल्ले में बैलेंस में वो ये 1 शुगर डालता है। जब वो इक्वल होते हैं, बराबर बराबर होते हैं बैलेंस के पल्ले, तो उस वक्त 1 kg शुगर होता है वो। तो इसी तरह अगर हमें 1 kg फॉर एग्जांपल ये आटा लाना होगा, तो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और वो बैलेंस के एक पल्ले में वेट 1 kg डालता है, और उसके बराबर बैलेंस के दूसरे पल्ले में वो आटा डालता है। जब वो बराबर बराबर होते हैं तो दैट मीन्स 1 kg फ्लोर, 1 kg आटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एटम है, तो चूंकि ये तो स्मॉल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर हम इसको कहते हैं, ये स्मॉल है, तो इसको हम एक, एक ये तो एक साइड में हम अगर 1 kg डालेंगे और दूसरी साइड में एटम्स, क्योंकि एटम अगर एक डॉट हम लेंगे, अगर हम डॉट एक लेंगे तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, तो दैट मीन्स कि हम इसको, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम एक साइड में 1 kg डालेंगे और दूसरे साइड में वो एटम्स डालेंगे। तो ये कैसे अब इसका एटम का मास, क्योंकि अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है, जो स्मॉलेस्ट एटम है, वेरी वेरी स्मॉल एटम हाइड्रोजन है, तो इसका अगर हाइड्रोजन का देखा जाए, हाइड्रोजन एटम का मास जो है वह है, स्टूडेंट्स आप ये नोट भी कर सकते हैं, 1.673 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, 1.673 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो इसका मतलब है कि ये बहुत कम है, बहुत छोटा है, ये इसका मास बहुत कम है। तो हाइड्रोजन को ही साइंटिस्ट्स पहले लेते थे एज रेफरेंस। तो क्योंकि उसके बाद क्या किया गया, तो हाइड्रोजन चूंकि फ्लेमेबल है और ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने फिर कार्बन 12 एटम को एज रेफरेंस यूनिट लिया एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो कार्बन 12 की जो मैंने बात की, ये भी आपको समझ में आएगा, और हम एग्जांपल्स भी आपको देंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक मास कैलकुलेट करने से पहले और एटम का मास जानने से पहले, यहाँ पे मैं आपको एक ये टर्म यानी बताना चाहता हूँ, वो है आइसोटोप्स। क्यों मैंने यहाँ पे टर्म लाई आइसोटोप्स, ये जो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोस्टर्स, आइसोटोन्स, ये हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पे मुझे कार्बन 12 आपको समझाना है, वो कार्बन 12 क्या होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले आइसोटोप्स की डेफिनेशन यहाँ पे लाई। तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये एटम्स सेम एलिमेंट के होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। ये एटम्स होते हैं लेकिन सेम एलिमेंट के, और इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास यानी मास नंबर इनका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, मीन्स ये कार्बन एटम्स हैं सेम एलिमेंट के। अब देखिए ये जो सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये रिप्रेजेंट करता है, इट डिनोट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, इट डिनोट्स द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो ये हम यहाँ पे
बॉटम पे लिखते हैं। आप देखिए, आप सुपर स्क्रिप्ट जो है वो है 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14। ये जो 12, 13, 14 ये मास नंबर को डिनोट करते हैं। और ये जो 12 जो है ना, ये हम यहाँ पर भी लेफ्ट साइड ऑफ दिस एटम ऑन सबस्क्रिप्ट भी हम लिख सकते हैं। अब मैंने राइट साइड पे लिखा, आप लेफ्ट साइड से ये लिख सकते हैं एज सब सुपर स्क्रिप्ट। और यहाँ पर भी 13 आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे 14 लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में एज सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ तो मैंने राइट साइड पे लिखा, ये भी ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड लिखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी ठीक है। तो आप देखिए, सिक्स 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 ये तो सेम है, दैट मीन्स ये तो एटॉमिक नंबर सेम है इनका, लेकिन 12, 13, 14 ये तो मास नंबर इन एटम्स का है। अब ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स, ठीक है? इनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। लेकिन हम आइसोटोप 12, C12 का मतलब है कार्बन 12। C12 का मतलब क्या है? कार्बन 12 मीन्स कि ये कार्बन जो जो कार्बन एटम का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 है। तो यही हम एज रेफरेंस यानी स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों यही आइसोटोप लिया जाता है? क्योंकि ये तो एक तो स्टेबल है और ये मैक्सिमम क्वांटिटी में नेचर में एग्जिस्ट होता है, इसीलिए हम C6 12 को एज रेफरेंस यूनिट लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कार्बन 12 पे। कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ये जो कार्बन 12, C6 12 की जो हम बात कर रहे हैं, कार्बन 12 का मतलब है कि इसमें ये जो कार्बन 12 है ना, इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है? कार्बन 13 हम कार्बन 14 हम नहीं लेते हैं, या ना तो हम कार्बन 13 लेते हैं ना तो हम कार्बन 14 लेते हैं। क्यों हम लेते हैं कार्बन 12? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है? 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो दैट मीन्स इसका मास नंबर क्या बनेगा? 12। डियर स्टूडेंट्स, मास नंबर होता है नंबर सम ऑफ मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसका जो मास नंबर है कार्बन का वो है 12, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, 6 प्लस 6 क्या आएगा? 12, ठीक है? तो ये कार्बन 12 की हम बात कर रहे थे। तो कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइनड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो कार्बन 12 एटम है, दैट मींस कि C6 12 आइसोटोप जो कार्बन एटम का है, उसका जो एटॉमिक मास वो एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर लिया गया। यानी दैट मींस कि कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइनड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये जो AMU जो है, इट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास यूनिट। और ये पहले यूज किया जाता है AMU एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन नाउडेज वी यूज यू, ठीक है? तो AMU के बदले हम यू आज लिखते हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट के बदले हम आज यू लिखते हैं, दैट मीन्स यूनिट्स, ठीक है? यू रिप्रेजेंट्स यूनिट्स। तो अब हम कौन सा आइसोटोप कार्बन का यूज करते हैं? कार्बन 12, ठीक है? इसे हम शॉर्ट में फिर लिखते हैं कार्बन 12 या C12। तो इसका जो एटॉमिक मास लिया गया वो एग्जैक्टली इसके लिए असाइन किया गया 12 एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर। तो अब हम आते हैं एटॉमिक मास की डेफिनेशन पे। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। एक एटम का जो मास है वो इन रिलेशन में, इन कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में लेते हैं? कार्बन 12 एटम के मुकाबले में। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अब ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन वन बाई 12th ऑफ ए कार्बन 12 एटम। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ये इंडिकेट हमें करता है कि उस एलिमेंट के एटम कितने हैवियर हैं किसके मुकाबले में, हैवियर देन 1/12
ऑफ ए कार्बन 12 एटम। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल से डियर स्टूडेंट समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 यूनिट। मैग्नीशियम एटम का मास कितना है? 24 यूनिट। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, एम जी रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, इज 24 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ ए कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 एटम जो यानी इसका 12वां हिस्सा जो है उसके उसके मुकाबले में यानी 24 टाइम्स ये हैवियर है कार्बन 12 एटम के मुकाबले में। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा कि तो ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट ये इक्वल टू होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, और ए एम यू के बदले हम आज क्या लिखते हैं 1U, यानी U हम लिखते हैं। तो दियर फोर 1U, 1 यूनिट किसके बराबर है? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास के बारे में हमने डिस्कस किया। एटॉमिक मास सिंपली मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास मास ऑफ एटम, और ये हम कैलकुलेट करते हैं रिलेशन विद रिलेटेड टू द कार्बन 12 आइसोटोप। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हो उनको हमें सम करना, उनके मास को हमें सम करना है, वी गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास क्या क्या होता है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर भी रिलेटिव है, रिलेशन हम लेते हैं किसके साथ? कंपैरिजन हम लेते हैं कार्बन 12 एटम के साथ। तो अब हम मॉलिक्यूल का हम लेना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। यहाँ वहाँ पे एटम का, तो यहाँ पे अब मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर मास एक एटम का, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का इन कंपैरिजन विद द कार्बन 12 एटम जिसका मास हम लेते हैं 12 यूनिट्स। कार्बन 12 एटम का मास हम लेते हैं 12 यूनिट्स के बराबर, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, वो क्या 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन्स वो 12 यूनिट्स होते हैं। The molecular mass of a substance indicates the number of times one molecule of the substance is heavier than 1/12 of a carbon atom. ठीक है, C atom, carbon atom. तो अभी जो हमने बात की कि ये हमें दिखाता है कितना how many times it is heavier than the 1/12 of a carbon atom. The molecular mass of a substance indicates the number of times one molecule of the substance is heavier than 1/12 of a carbon atom. तो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, H2 रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास है वो 2 है। तो ये 2 कैसे आता है स्टूडेंट्स? एक हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट, तो 2, चूंकि इसमें H2 में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इसका मतलब है इसमें 2 ये इसका मास 2 यूनिट्स बनेगा। तो इट मीन्स दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 ऑफ ए कार्बन 12 एटम। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास जो है ये भी एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल, हमें 2 यूनिट्स H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास क्या है? 2, तो आएगा 2 यूनिट्स। इसी तरह जो CO2 है उसका मास भी जो आएगा तो वो हम लेते हैं फिर यूनिट्स में, यानी U में, AMU एटॉमिक मास यूनिट में। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है मॉलिक्यूलर मास? द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। सो इफ वी नो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास इजीली। स्टूडेंट्स, याद रखना कि एक मॉलिक्यूल की फार्मूला अगर हमें पता हो, इफ वी नो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस, अगर हमें एक सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की फार्मूला जब हमें पता हो तो उसके उसमें जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के मास को हमें सम करना है, ऐड करना है, तो वी विल गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गिवन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेट अस कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हम वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर है, एक मॉलिक्यूल की हमें हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास।
वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या है? H2O। याद रखना कि वाटर की फॉर्मूला क्या है? H2O। अब H2O रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो अब हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेंट्स, याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड वन ऑक्सीजन एटम। ये देखिए टू, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है टू, इट रिप्रेजेंट्स टू हाइड्रोजन एटम्स, और ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स इसका वन ही है। तो इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन एटम है इस वाटर मॉलिक्यूल में। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? वन, तो हम लेते हैं वन यू। हाँ, वन AMU भी लिख सकते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन AMU को अब हम रिप्लेस करते हैं यू ही से। ठीक है, तो वन यू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, वन यू। मास ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, टू इंटू वन क्या बनेगा? टू यूनिट। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है डियर स्टूडेंट्स 16। ठीक है, तो जब हम इसको यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो यहाँ पे मास आया, इसको हम सम करेंगे, वी विल गेट 2 + 16 18 यूनिट। तो वाटर यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना है? 18 यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स आप याद रखना। इसी तरह हम और एक एग्जांपल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि इसमें एक सी है कार्बन, एक है और दो ऑक्सीजन एटम्स हैं। एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन एटम है 12 यूनिट्स। एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम है 16 यूनिट्स। एटॉमिक मास ऑफ टू है ऑक्सीजन एटम्स कितना बनेगा? 32 यूनिट्स, क्योंकि एक ऑक्सीजन का है 16, तो दो का क्या बनेगा? 2 × 16, वी विल गेट 32 यूनिट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब इन एटम्स के मास को हमें सम करना है, वी विल गेट द मास ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, 12 + 32 गेट 44 यूनिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे एक नोट लिखा है, ये भी आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि उन वो आयन्स के बने होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के नहीं बने होते हैं। वो किन के बने होते हैं? आयन्स के बने होते हैं। मैंने आयनिक कंपाउंड्स आपको ऑलरेडी बताया है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो इन फॉर्मूला मास इज समटाइम्स यूज इन प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो आयनिक कंपाउंड्स का जो ये मास होता है, मॉलिक्यूलर मास, उनको उनका कैलकुलेट करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला मास। तो अगर हमें सोडियम क्लोराइड का मास निकाला हो, मॉलिक्यूलर मास, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास। ठीक है, तो फिर सोडियम, जो सोडियम है उसका जो मास है सोडियम एटम का, वो है 23 यूनिट्स। इसी तरह फिर है क्लोरीन, उसमें Cl, ठीक है, तो उसका है 35.5 35.5। तो जब हम उसको सोडियम का मास 23 + 35.5 उसको हम सम करेंगे, वी गेट द मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो मास आएगा वहां पे, वो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आएगी, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन दिस लेक्चर, यू कैन कॉल मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।